भ्याः। नमः सिद्धिभ्यः। शुद्धात्तुं जगदेकसारं संप्रापिता गादिवबाब्दिपारं नत्वादनन्तशिवोदिभारं समाधिसारं व्युरुडोमिसारं नमोरिहन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोय सुविसाहूडं। अनंतानंद परम सिद्ध भवानी की, एक जाडुगान शांतिनाथ स्वामी की, एक जाडुगान महावीर स्वामी की, परम पूज आय त्रिभगवन कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचरण विराग सागर जीवन महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु अंतिम तीर्थ वर्तमान स्वामी के शासन में हम सही ब्रजते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीष्यो जगत कल्याणी हैं। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग सर्वण संस्कृत भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। लोक में अत्यंत कठिन दुर्लभ वस्तु आपको मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हुई है। जो वस्तु सरलता से प्राप्त है उसको लोग सामान्य समझते हैं, जो पूर्व नियोग से प्राप्त है उस सामान्य समझते हैं। धनपति को धन के प्रति कीमत का बोध नहीं है। गरीब आदमी से पूछो एक एक सिक्का कितना कठिन होता है। जो पुरुष मरणासन्न है उससे प्रश्न करो कि आयु कितनी कीमत है। पर जो व्यक्ति आयु को प्राप्त करके एक एक पल एक एक क्षण कोई व्यर्थ की बातों में लगा हुआ है, कोई पुरुष मोबाइल चला रहा है
कोई ताश खेल रहा है, कोई चौपल खेल रहा है, कोई व्यर्थ में घूम रहा है, आज तुमको मनुष्य आयु का बोध नहीं है। यदि आपके जीवन की अंतिम सांस आ गई, उस क्षण में आप वैद्यों से कहें, डॉक्टरों से कहें कि हमको 5 मिनट बचा लीजिए, लेकिन विश्वास मानिए, करोड़ों का द्रव्य खर्च करके भी कोई भी वैद्य एक पल मात्र भी किसी की आयु नहीं रोक सकता। वो मृत्यु होना नियत है, परंतु आश्चर्य इस बात का है कि अज्ञानता में, अविद्या के वश होकर के ये जीव समझ नहीं पाया है कि समय कैसे जा रहा है। संसार का सबसे बड़ा दरिद्री पुरुष वो है जो अपने समय की कीमत नहीं रखता है। संसार का सबसे बड़ा पागल पुरुष वो है जिसको समय की कीमत का बोध नहीं है। संसार का सबसे समझदार व्यक्ति वो है जो पल पल की कीमत रखता है। एक समय प्रमाण काल में जीव सिद्धि को प्राप्त कर लेता है और एक समय के व्यर्थ जाने पर जीव नरक को प्राप्त कर लेता है। नरक स्वर्ग की बातें बाद में करें, वर्तमान को देखिए। आज समाज में, राष्ट्र में, देश में सम्मान किसका है भाई? देश में सम्मान किसका है, राष्ट्र में सम्मान किसका है? या तो विद्वान होना चाहिए, या धनपति होना चाहिए, या फिर राजनेता होना चाहिए, या फिर श्रेष्ठ साधु होना चाहिए। इन लोगों का सम्मान हो रहा है, बाकी के मध्यम लोग, छोटे लोग सम्मान कर रहे हैं। तो जो ज्ञानी बना कैसे, ज्ञानी बना कैसे? मतलब विद्वान गरीब भी हो लेकिन तब भी विद्या के बल पर राष्ट्र में सम्मान पाता है। किसके बल पर? ज्ञान के बल पर कि पुरुषार्थ के बल पर? बोलो बोलो, ज्ञान के बल पर कि पुरुषार्थ के बल पर? मित्र, तो ज्ञान के बल पर, ज्ञान तो आपके पास भी है, विद्वान क्यों नहीं बन रहे हो? ऐसा कोई मनुष्य है जिसके पास ज्ञान न हो? हर मनुष्य के पास ज्ञान है, लेकिन ज्ञान को बढ़ाने का पुरुषार्थ नहीं है। ज्ञान के बल पर सम्मान प्राप्त कर रहा है, परंतु ज्ञान का बल आया कब? ज्ञान का बल कब आया? जब उसके पास पुरुषार्थ था। जब तक आप जो है सुबह सुबह ना जग करके दिन के 12 बजे आप पलंग से उठ रहे हो, जो ज्ञानी बना है वो 4 बजे 3 बजे उठ करके अध्ययन कर रहा था। आप उसके ज्ञान को देख करके सम्मान तो कर रहे हो, परंतु कुछ लोग सभी सम्मान करें आवश्यक नहीं है भाई। कुछ लोग ज्ञानी को देख करके ईर्ष्या भी करते हैं, ऐसा नहीं कि सभी सम्मान रखते हो, ईर्ष्या भी करते हैं। सम्मान करने वाला श्रेष्ठ है, कम से कम वो सम्मान तो कर रहा है, उसे कीमत का बोध तो कि ज्ञान की कीमत है, पर जो ईर्ष्या कर रहा है उसे बेचारे को मालूम ही नहीं है। ईर्ष्या ही कर पाओ, ईर्ष्या में झुलस जाओगे लेकिन प्राप्त कुछ नहीं कर पाओगे। आपको ज्ञानी की ईर्ष्या की अपेक्षा से ये होना चाहिए था, ये व्यक्ति ज्ञानी बना कैसे? जब जगत सोता है बालकों, जब जगत सोता है तब विद्यार्थी जागता है। जगत सोता है, विद्यार्थी जागता है। आपने अपनी आंखों को टीवी में लगा दिया, आपने अपनी आंखों को परिस्थितियों के देखने में लगा दिया, आपने अपनी आंखों को बाहर के पिक्चर देखने में लगा दिया, लेकिन जो आज विद्वान बन के पूज रहा है उसने अपनी आंखों को शास्त्रों में लगाया है, शास्त्रों में लगाया, इसलिए आज ज्ञानी बन गया। हर एक उन्नतशील पुरुष को देख करके अनंत,
हर एक उन्नतशील पुरुष को देख करके ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, उन्नतशील पुरुष को देख करके उसके विकास का हेतु पूछना चाहिए। संतुष्टि जो है विषय कषाय में संतुष्टि होना चाहिए, परिग्रह में संतुष्टि होना चाहिए, परंतु ज्ञान के क्षेत्र में संतुष्टि नहीं होना चाहिए, चारित्र के क्षेत्र में संतुष्टि नहीं होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति धनपति बनने की ठान लेना तो कारखाने लगा लेता है, अपना नगर छोड़ देता है, अपना देश छोड़ देता, बोले क्यों, हमको पैसा कमाना ही है। ऐसे जिसे भगवान बनना है अपना गांव छोड़ देता है, अपने सुख छोड़ देता है, विभूति छोड़ देता है, पुरुषार्थ में लग जाता है। विश्वास मानिए, वर्धमान तीर्थंकर महावीर स्वामी ने वैशाली का राज्य छोड़ा कि नहीं छोड़ा, ऋषभ देव ने अयोध्या का राज्य छोड़ा कि नहीं छोड़ा, नेमिनाथ स्वामी ने द्वारका सोरीपुर का मथुरा का राज्य छोड़ा कि नहीं छोड़ा। ओहो, चौबीस तीर्थंकर विवाह, चौबीस तीर्थंकर, एक भी गरीब नहीं होता, चौबीस के चौबीस तीर्थंकर सम्राट पुत्र होते हैं और स्वयं सम्राट होते हैं। जो बाल ब्रह्मचारी है वे राजकुमार, बाल ब्रह्मचारी ने राजकुमार भी हो राज्य भी किए। शांति कुंत अरे, तीन तीर्थंकर चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर, तीन तीन पद के धारी थे। ए, भाई किसके बल पर? ओ सिद्धांत शास्त्र, भगवान शांतिनाथ स्वामी, अरहना स्वामी, कुंतना स्वामी, ये चक्रवर्ती हुए, तीर्थंकर हुए, कामदेव हुए, किसके बल पर? बदल गया भाई। हो, माँ आप ठीक कह रहे, पूर्व पुण्य, लेकिन पूर्व पुण्य को इतना हम शब्द पूर्व बोला, फिर आपने पुण्य बोला, दो शब्द बोलना पड़ गए। एक शब्द बोलो पुरुषार्थ। पूर्व पुण्य हुआ कैसे? पुरुषार्थ से, बराबर। पूर्व पुरुषार्थ हुआ कैसे? ये महाराज जी कह रहे सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन हुआ कैसे? पुरुषार्थ। कोई कहे ज्ञान हुआ कैसे? पुरुषार्थ। चारित्र हुआ कैसे? पुरुषार्थ। और धनपति बना कैसे? पुरुषार्थ। कोई व्यक्ति माना कि ये नगर कौन सा गांव है, माजरी गांव में कोई धनपति आदमी है, पाटिल है, बहुत बड़ा सेठ है, तो ये सिद्धांत शास्त्री कहता है बोले ये आदमी बहुत पैसे वाला है। अरे मित्र क्यों तू ऐसा सोचता है, ये पैसे वाला नहीं है, ये पुरुषार्थ वाला है। पूर्व में इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुण्य किया है कि आज वो धनपति बन गया। तुम ईर्ष्या मत करो, उसके जैसा पुरुषार्थ करो, तुम भी धनपति बन जाओगे। ईर्ष्या करने से कोई धनपति नहीं बन सकता, रौनक ईर्ष्या करने से कोई महान नहीं हो सकता। ईर्ष्या के नष्ट कर दोगे और पुरुषार्थ करोगे, तुम भी महान बनोगे। शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरेनाथ, इन तीन तीर्थंकरों को देखिए, कितना प्रचंड पुरुषार्थ किया होगा, कितना प्रचंड पुण्य किया होगा कि व्यक्ति चपरासी बनने के लिए चक्कर काटता नेताओं के। समझ में आ रहा है कुछ? एक किसी संस्था का चपरासी बनने के लिए, नौकर बनने के लिए नेताओं के, संस्थाओं के चक्कर काटता है, और एक वो जीव है जिसकी भक्ति करने के लिए सोदर महेंद्र चक्कर काटता है, उसका नाम तीर्थंकर है। अब बोलो धन कैसे आया? धन कहां से आया भाई? धन कहां से आया? कोई ये कहे, ऐसे भी लोग मिलेंगे ना, बोले महाराज जी धन कहां से आया, उसके पास तो कुछ भी नहीं था, जमीन का घड़ा मिल गया। सुनो सुनो सुनो, अच्छी बात। बोले धन कहां से आया? बोले जमीन का घड़ा मिल गया।
अरे तुम ठीक कह रहे हो, जमीन का घड़ा मिल गया, तुमको क्यों नहीं मिला? जिसे मिल गया वहां पर आप भी तो थे, आपको क्यों नहीं मिला? क्योंकि बेटा जमीन का धन भी उसे ही मिलता है जिसका पुण्य का धन होता है, और जिनकी पुण्य नहीं है वो जमीन में खोदेंगे भी ना तो राख हो जाएगा, राख मिट्टी हो जाएगा मिट्टी। पुण्यात्मा जीव मिट्टी में हाथ लगाता है तो मिट्टी सोना बन जाती है, और पापी जीव सोने में हाथ लगाता है तो सोना मिट्टी हो जाता है। जाके देख लीजिए आप अपने घर में ही, जाके देखना घर में ही, ये तुम चार भाई हो चार एक से नहीं हो, एक से नहीं हो, चारों का परिणाम एक सा नहीं चल रहा है, अलग अलग अनुभूतियां चल रही हैं। तो पुण्य विशिष्ट है कि पुरुषार्थ विशिष्ट है? पुण्य विशिष्ट है कि पुरुषार्थ विशिष्ट है? वर्तमान का पुण्य विशिष्ट है तो भूत का पुरुषार्थ विशिष्ट था। बिना सम्यक पुरुषार्थ के कोई पुण्य का बंध होता नहीं। और आप तो ऐसी जगह बैठे हो कि जहां ये नहीं कहा जाता है कि भगवान देगा तब हमको मिल जाएगा, यहां ये सिखाया जाता है हम जैसा करेंगे वैसा पालेंगे। भगवान आपको देके आएगा? ये बात आज से भूल जाओ, अच्छी तरह से भूल जाइए। क्या गुरुजी मैं क्या कर सकता हूँ, भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा हो जाएगा, ऐसा वे ही बोलते हैं जिनकी भुजाओं में ताकत नहीं, ऐसा वो ही बोलते हैं जिनके शरीर में ताकत नहीं है, ऐसा वो ही बोलते हैं जिनकी बुद्धि में विवेक नहीं है। सत्य है भगवान आपको देने नहीं आएंगे, भगवान देने नहीं आएंगे, आप पुरुषार्थ करोगे वही भगवान बनेगा। यहाँ पर आप आए ना, कोई देखो उस श्रावक कहाँ से, दूसरे गांव से आए, कहाँ से भैया? गुहा गुघार, और ये कौन सा मांझरी? देखो मांझरी के लोग मुस्कुरा रहे हैं, बोले हमको रात भी मिल गई और दिन भी मिल गया, और गुहार वाले गुहार लगाए बैठे हुए हैं, बोले महाराज जी हमारे गांव में चरिया चाहिए, रात भी चाहिए दिन भी चाहिए है। पर ज्ञानी देखो भग भागन व जोगे विसा, जब पुण्य प्रचंड होता है ना भाई, भगवान भी अपने आप चले आते हैं, भगवान अपने आप चले आते हैं, आप टेंशन नहीं लेना, जो है सो है, भगवान भी चले आते हैं। लेकिन पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ कहता है हर कार्य की सिद्धि पुरुषार्थ कराता है, ऐसा विश्व में कोई कठिन काम नहीं है जिससे पुरुषार्थ से सिद्ध ना होता हो, लेकिन पुरुषार्थ के साथ पुण्य चाहिए। अब समझना, पुरुषार्थ के साथ पुण्य चाहिए, पूर्व का पुण्य चाहिए, वर्तमान का पुरुषार्थ चाहिए, और जो पूर्व का पुण्य है ना वो भी उसके पूर्व का पुरुषार्थ ही था। बालक हिंदी समझता है? हिंदी समझता है? खड़ा हो जा बेटा। पिताजी का नाम क्या है? सुगत। अच्छा, वो तुमको खाना देते कि नहीं बेटा? पिताजी तुमको खाना देते कि नहीं देते? अच्छा कि बुरा? अच्छा देते हैं। अच्छा, इसलिए तुम मोटे हो, पिताजी अच्छा खाना देते हैं। बालक ये बताइए, आपने कुछ कमाया तो पिताजी खाना क्यों खाते हो? घबराना नहीं, आपने कुछ कमाया? नहीं कमाया ना, कोई बात नहीं, आपके पिताजी तुम्हें खाना यदि नहीं दिए तो समाज क्या बोलेगी पिताजी को?
देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हैं, देना चाहिए। कहीं तुम्हारे पिताजी ने ये बोल दिया कि कमाया तो मैंने है, मैं इसको क्यों खिलाऊं? फिर आप क्या बोलोगे बेटा? बोल बोल, टेंशन नहीं ले। आपके पिताजी ने कहा कमाया तो मैंने, मैं बच्चों को क्यों खिलाऊं, ऐसा बोल दिया, फिर आप क्या बोलोगे? अच्छा सुनो, घबराओ नहीं। आपके पिताजी ने आपसे बोल दिया हमने कमाया है, ठीक है ना, हम तुमको क्यों खिलाऊं? फिर आप भैया के पास गए, बोले पिताजी ऐसा बोल रहे हैं, तो इन भैया से पूछो आप क्या बोलोगे? बोल भाई, उस पूछ रहा हूँ आपसे, कर्तव्य नहीं। उसके पिताजी ने उसको बोल दिया हमने कमाया, मैं क्यों खिलाऊं? तो आप उसको पिताजी को क्या समझाओगे? उसके पिताजी को आपको समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे? क्या समझाओगे? वो कहता क्यों दूं, वो कह रहे क्यों दूं, फिर आप क्या बोलोगे? वो भैया बोल रहा है, हाँ बोल भाई। क्या बोलो भाई? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बेटा ये भी कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है ना, ये तो बात घुमा दिए। उनने कह दी तुम बूढ़े तब खिलाएंगे, लेकिन अब फिर तुम चले गए शासन के पास, बोले मेरा पिताजी खाना नहीं दे रहा है, तो फिर शासन तुमको खाना दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा पिताजी से? बोल बेटा, दिलाएगा ना, खाना ही नहीं दिलाएगा पिताजी से, बोलेगा सर हिस्सा दो। शासन क्या बोलेगा? जितना तुमने कमाया है, जितने खेत हैं, सबका उसमें से हिस्सा दे बच्चे को। बोल भाई, शासन दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा? दिलाएगा। देख बेटा, तूने क्या कमाया? इस बच्चे ने कुछ भी नहीं कमाया, फिर भी इनके पिताजी को हिस्सा देना पड़ेगा मालूम, और पैसे भी देने पड़ेंगे। बोल बेटा, देंगे पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे? देना पड़ेंगे। अब प्रश्न है, अब पिताजी रो रहा बेचारा, बोले मैंने कमाया और इसने कुछ भी नहीं कमाया और फिर भी हिस्सा देना पड़ रहा है, ओहो नहीं तो जेल में जाना पड़ जाएगा। तुम पिताजी धीरे कह रहे, पिताजी चिंता मत करो, हम पहले कमा के आए थे इसलिए हमको मिल गया। इतने पिता बैठे ना, बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना कि आप इस बात को भूल जाओ कि मैंने कमाया है, तुम कमाने के लिए आए हो, वो अपना कमाया हुआ लेने के लिए आया है। पर सुन बालक, पिताजी का सम्मान रखना, ठीक है, उनको कह देना तुम चिंता नहीं करो, मैं तुमको परेशान नहीं करूंगा, मुझे अभी तुम अच्छे से रखोगे ना, तुम वृद्ध अवस्था में हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, रखोगे तो फिर से खड़े हो जाओ। आपके पिताजी तुम्हारा पूरा ध्यान रख रहे हैं, अभी उनमें शरीर में ताकत है, जब वे बूढ़े हो जाएंगे तो तुम क्या करोगे उनके साथ? घर से बाहर निकाल दोगे? तो उनका देखभाल करोगे ना पक्का? बोलो सभी समाज से, हमारे पिताजी वृद्ध होंगे, हम उनकी देखभाल करेंगे। बोलो बेटा जोर से। बहुत बढ़िया, ऐसे बेटे सबके पास, बहुत अच्छा। इसके पिताजी बैठे क्या यहाँ पर? अरे वाह भाई, देख लो बेटा, इनके पैर छू लेना बेटा इनके। आपकी व्यवस्था तुमने बनवा दी, ठीक है, अब आप उसका ध्यान रखना, बैठ जाओ। तब नहीं बोले थे जब आप कह रहे थे हिस्सा चाहिए, तब शांत थे भाई, और जैसे तूने कहा बेटा हम ध्यान रखेंगे, तो मुस्कुराने लग गए। यहाँ क्या कह रहे हैं, लब्ध्वा इथो रूपम। अब सुनिए,
लब्धा, प्राप्त किया है, प्राप्त किया है। ये तो भयो उम्र, उम्र व्यय प्राप्त किए। अच्छा, ऐसा आपको नहीं लगता हम समय बर्बाद कर रहे हैं? एक एक बात सुनिए, ऐसा नहीं लगता हम समय बर्बाद कर रहे हैं? विमान से यात्रा क्यों करते हो जबकि साइकिल से जाओ तो कम खर्च होगा, बराबर भैया? पैदल चलो, कुछ भी खर्च नहीं होगा। तो आप लोग साइकिल से चलते हो, कोई मोटरसाइकिल चल रहा है, कोई गाड़ी से चल रहा है, कोई ट्रेन से चल रहा है, तो कोई विमान से चल रहा है, तो विमान से चलने का क्या उद्देश्य है? जल्दी, लेकिन पैसे तो ज़्यादा लगते हैं ना बेटा। कौन बोल रहा है? सिद्धांत। ओह भाई, मतलब आपको समय की इतनी कीमत है कि पैसे कितने लग जाए लेकिन समय बचना चाहिए, बराबर? ओ हो, समय की इतनी कीमत आपके पास कि विमान से यात्रा करें? बोले समय बचना चाहिए, पैसे लग जाना चाहिए। बेटा, जो घर में बैठ करके, घर में बैठ करके व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, चार लोग बिठा लिए, गप्पों में लगे हुए हैं, उन अभागों से पूछो कि हम तो पैसे की कीमत न समझ को बचा करके विमान से यात्रा किए हैं और आप यहाँ पर समय बर्बाद कर रहे हो। जो लोग मंदिर के गेट पर बैठ करके ताश खेलते हो, जो लोग मंदिर के बेड पर घर की बातें करते हो, माताओं मंदिर में आकर के घर की साग भाजी की बातें करो, उसमें सोचो कि विमान से आने वाला व्यक्ति अपने समय को बचा रहा है, हम मंदिर में आकर के अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। समय की कीमत होना चाहिए, समय की कीमत होना चाहिए। एक पानी की बूंद, एक पानी की बूंद मुनिराज की अंजलि में जाती है, भगवान बना देती है। ये भव्य श्रावक, अच्छा देख बेटा, ये मांजरी के श्रावक, ये नगर नगर के श्रावक हाथ जोड़े खड़े, गुरु जी हमारे गांव में आरचर्या हो जाए, हमारे गांव में आरचर्या हो जाए। अरे भाई, अपने घर का द्रव्य खर्च होगा, इतनी सेवा करना पड़ जाएगी, इतनी मेहनत लगेगी, नगर में महाराज जी आएंगे, तब भी श्रावक हाथ जोड़े क्यों खड़े हुए हैं? बालक, अब तू समझदार हो गया है। जमीन के अंदर से, कुएं से पानी निकालते हैं, पाइप लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है और गन्ने के खेत में डाल रहे हैं तुम्हारे पिताजी, ये अच्छी बात है क्या? सिद्धांत देख भाई, जमीन से पानी निकाल रहे हैं और गन्ने के खेत में डाल रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये क्यों करते हो? अच्छा उगाई के लिए। तू टेंशन नहीं, मैं सब समझता हूँ, तुम जो बोलो मैं समझ लूंगा। अच्छी उगाई के लिए, मतलब इतनी मेहनत कर रहे हो, गन्ने के खेत में पानी डाल रहे हो, कितनी पुरुषार्थ कर रहे हो, कितनी मेहनत करते आप लोग, कितनी मेहनत, कितना पुरुषार्थ, ऐसा क्यों? मित्र समझ, बोले महाराज जी इतने नीचे से जमीन खोद कर ये पानी निकालते हैं, कहाँ डालते हो? गन्ने के खेत में स्वच्छ पानी और मिट्टी में डाल देते हो। बोले क्यों? यदि मिट्टी में डालेंगे तो मीठा रस निकलेगा। गन्ने के खेत में पानी डालोगे तो क्या दिख रहा तुमको? मीठा रस दिख रहा है। जो आपको गन्ने के खेत में पानी डालने से मीठा रस दिखता है, तो इन श्रावकों को मुनि के हाथ पर ग्रास रख करके मीठा स्वर्ग दिखाई देता है, मोक्ष दिखाई देता है।
इतनी मेहनत क्यों करते हो, गन्ने खेत में पानी क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपको रस दिखता है, उगाई अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, धन अच्छा आएगा, इतना सब कुछ दिख रहा है ना। ऐसे ही कोई व्यक्ति यूं कहे, इस समाज मुनियों के पीछे क्यों घूम रही है, महाराजियों की सेवा क्यों कर रही है? तुम प्रेम से कहना, बेटा जैसे गन्ने के खेत में पानी डालने से मीठा रस निकलता है, ऐसे मुनिराज की अंजलि में पानी डालने से मीठा मोक्ष फल मिलता है। सिद्धांत शास्त्र की कुटकोड़ी मित्र, आज समझ में आ गया आपको, मेरी भी समझ में आ गया, बेचारे क्यों पीछे घूम रहे हैं? बोले मेहनत से गन्ने का रस मिलता है। चेतन इतनी दूर से आया बालक, यूपी से आया है, झांसी की रानी के गांव से आया है। अब सोचो आप क्यों आया भाई सिद्धांत, ये झांसी से आया, यूपी से इतनी दूर से चल के आएगा, क्यों आया बोल दो ना। गन्ने के खेत में पानी डालने से रस मीठा निकलता है, गुरुओं के पास आने से रस मीठा निकलता है। देख भाई सब मुस्कुरा रहे कि नहीं मुस्कुरा रहे? अभी एक घर में बैठे होते तो मुंह लटकाए बैठे मिलते। जितने लोग यहां बैठे हो ना, प्रसन्न मनसा, क्या प्रसन्न मनसा, ओहो प्रसन्न मनसा, जीवन जियो प्रसन्न मनसा, प्रभु की भक्ति करो प्रसन्न मनसा, गुरुओं के पास आओ प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन हो के आओ। अनंत भवों में चेहरा लटकाए घूमते रहे, आज तुम संगी हो, पंचेंद्रिय हो, मनुष्य हो, प्रसन्न मनसा। जो व्यक्ति केतन, जो व्यक्ति अपने आप को प्रसन्न नहीं रख सका, वो दुनिया को क्या प्रसन्न रख पाएगा? केतन एक प्रश्न का उत्तर दोगे क्या? गुलाब के फूल में सुगंध कहां होती है? केतन गुलाब के फूल में सुगंध कहां होती है? अच्छा गुलाब का फूल सुगंध देता कि नहीं देता है? हैं? गुलाब के फूल सुगंध होती कि नहीं? वो सुगंध देता कि नहीं? देता है ना, कहां से देता है? यदि उसमें सुगंध न हो तो आपको सुगंध दे सकता है क्या? ओह श्वान का मल, श्वान का मल सुगंध देता है, तो श्वान का मल क्या देता है, क्यों देता है? भाई तू बड़ा खुश दिख रहा है, बता ना क्यों देता है? केतन कुछ तो बोल दे, श्वान का मल दुर्गंध क्यों देता है? क्योंकि उसके पास वही है, क्योंकि उसके पास वही है। और पुष्प के पास सुगंध है, जिसके पास जो होता है वही देता है। तो जो बेचारे चेहरे लटका घूमते रहते ना, उनके चेहरे देखकर दूसरे चेहरा उदास हो जाता है, बोले क्या हुआ, इनके पास यही है, जो प्रसन्न होता है वो प्रसन्नता देता है। इसलिए हम भगवान के पास क्यों जाते हैं? प्रभु आप भीतरता देते हो। मुनिराज पास क्यों जाते हैं? प्रभु आप मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र देते हो। इसलिए प्रसन्न चित्त वाले के पास बैठे तो प्रसन्नता मिलेगी। और जितने चेहरे लटकाए बैठे हैं ना, वो चेहरे लटकाते हैं। किसी घर में केतन कोई के यहाँ कोई की मृत्यु हो जाए ना, उसके द्वारे पर देखो लोग कैसे बैठे मिलते। जितने जाते हैं सिद्धांत, जितने जाते हैं सबके सब क्या करते हैं? चेहरा बना के बैठ जाते हैं। क्योंकि वहाँ का वातावरण ऐसा ही है।
इसलिए हमको ऐसे वातावरण में जाना चाहिए पाटनी जिससे चित्त प्रसन्न हो। बालक के चल करण जी दुखी है क्या? तो रोके दिखा, फिर प्रसन्न है ना? क्यों प्रसन्न है? या तो खाने को लड्डू भी नहीं मिल रहे, पेड़े भी नहीं मिल रहे, इमरती भी नहीं मिल रही है, और तेरे राजस्थान की चूरमा बाटी भी नहीं यहां दिख रही है। अब बोल तू खुश क्यों है? जल्दी बोलो, जल्दी बिठालता तुझे। अच्छा, मेरे पास इसलिए खुशी हो। बालक, भीतर साता का उदय है तो मेरे पास भी खुशी मिलेगी, और भीतर साता नहीं है तो भगवान के चरणों में आदमी खुशी नहीं मिलती। वो साता कहां से आती है? साता कहां से आती है? भूत वृत्तन कुंपाधान श्राक्ष मंदोगी छांति सोच मंदी सदभिदेश्य। भूत वृत्तन कुंपाधान, अब देखो ध्यान से सुनो भैया, तू नेता है, देख नेता जी। भूत वृत्तन कुंपा, अंदर का रहस्य सुनिए आप। तुम्हें सुखी होना चाहते हो, हर क्षेत्र में सुख पाना चाहते हो, ये परम सत्य है। नांग को भी आप प्रसन्न रखो, वो भी अपना काटना बंद कर देगा। भूत यानी प्राणी, जगत के प्राणी मात को तुम सुखी देखो, सुखी देखो। किसी व्यक्ति को दुख करने का तुम्हें विचार है तो मेरी तरफ देखो। किसी को दुखी करने का विचार है आपका, तो पहले आपको अपने आप को दुखी करना पड़ेगा। अब दो प्रकार से दुखी किया जाता है, सीखो कुछ। दो प्रकार से दुखी करना पड़ता है। एक प्रकार इन माताओं से बहुत अच्छा बनता है, एक प्रकार स्त्रियों से बहुत अच्छा बनता है कि वे टप टप आंखों में आंसू टपकाने लग जाएंगे, चेहरा बना लेंगे। तो जब भी अपना दुख दिखाएंगे ना, तो आप अपने आप दुखी हो जाओगे। ठीक है, एक दुखी, तो आपको दुखी करने के लिए उन्हें दुख का रूप बनाना पड़ गया। दूसरा दुखी कैसे किया जाता है? आपने इस भाई का सुख देखा, मैं तुझे देख लूंगा, बहुत ऊपर उड़ते हो तुम, मतलब धमका दिया, तो तुम दुखी कर दिया। तो गुस्सा दिखा करके, क्रोध दिखा करके, धमका करके तुमने उसको दुखी कर दिया। इन दोनों दुखी करने वालों से प्रश्न करो, अभी आप जो है सुख में हो, इसलिए किसी को डरा करके दुखी कर रहे हो, तो किसी को रोका दिखा कर दुखी कर रहे हो, परंतु तुम दोनों मायावी लोग हो, दोनों मायाचारी कर रहे हो। वो माया का फल त्रियंच होता है, माया का फल स्त्री होता है। जो पुरुष किसी को रो करके प्रभावित कर रहा है, किसी को डरा धमका करके प्रभावित कर रहा है, विश्वास मानिए, ये भविष्य की स्त्री बनने वाला है या भविष्य का पशु बनने वाला है। प्रसन्न होकर तुम उसको डरा रहे थे, खुश होकर डरा रहे थे, लेकिन तुम भूल चुके थे अगली पर्या हमारी दुख में है। अब बोलो नेताजी, ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। इसलिए घर जाना, वो अपनी सासू की बेटी से कह देना कि सुनो, मैं उपदेश सुन के आया हूँ, तुम मुझे मत डराना, हम तुम्हें नहीं डराएंगे, और एक दूसरे डराएंगे तो दोनों पशु बनेंगे। बोल दोगे? पक्का? और क्या बोलना? न रोके आप हमें दुखी करना, न दबा के दुखी करना। अपने सुख में तुम जियो, हमने अपने सुख में जी रहे हैं। पुण्य से मनुष्य प्रिया मिली है, प्रभु का ध्यान करो, डराओ मत किसी को। एक दूसरे, आप सोले का भोजन बनाओ, हम सोले के कपड़े पहनते हैं, अपन दोनों
खड़े होकर के मुनिराज का परिधान करके दान देंगे, डराने से क्या फायदा। नगर में साधु ना हो तो सुबह से सोले के कपड़े पहनो, दोनों जाकर भगवान का पूजन करके आ। पुण्य से पुण्य की वृद्धि होती है और कसाय से पाप की वृद्धि होती है। वो आदमी यही सोचता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, दुख से दुखी आता है, दुख से दुखी आता है। स्वयं दुखी होगे तब भी दुख आएगा और दूसरों को दुखी करोगे तब भी दुख आएगा। सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, स्वयं पर को दुखी करोगे तब भी तुम्हें दुखी मिलेगा और पर को स्वयं से स्वयं को दुखी करोगे तब भी दुख मिलेगा। स्वयं प्रसन्न रहो, जगत को प्रसन्न रखो, प्रभु भक्ति में तल्लीन हो जाओ, सुख के पिताजी को तुम्हारे घर अपने आप आना पड़ेगा। सिद्धांतों पे बात करो, मतलब तीर्थंकर भगवंतों ने हमको इतना सूत्र दिया है। ये तीर्थंकर भगवंतों ने शब्द का प्रयोग करना, तीर्थंकर भगवंतों ने जो भी वक्ता है, तीर्थंकर भगवान ने कहा है ठीक है, तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है ऐसा बोलना चाहिए। बोले क्यों, यदि आपने ये कह दिया तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने कहा है तो आज ऐसे देश में अज्ञानी हो चुके हैं, वे यूं समझने लगे कि जैन धर्म महावीर से प्रारंभ होता है, जबकि भगवान महावीर जैसे भगवान तीर्थंकर इस भूमि पर अनंतानंत हो चुके हैं और होते ही रहेंगे। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, ये वर्तमान के तीर्थंकर की अपेक्षा से कथन है, वर्तमान के शासन की अपेक्षा से कथन है, लेकिन हमारे तीर्थंकर भगवंतों सनातन काल से होते आए हैं। भगवंतों ने क्या कहा है, मित्र भगवान ने कहा है, मैं तुम्हारे सुख दुख का कर्ता धर्ता नहीं हूं, आपकी जैसी प्रणति होगी वैसी तुम्हारी गति होगी, इसलिए आज तुम्हारे पास समय है समझने का, हम समझ जाएं, न पर के कर्ता बनो न पर को अपना कर्ता बनाओ। दोनों बातें ध्यान रखना, न पर के कर्ता आप बनो न पर को अपना कर्ता बनाइए। हम स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हो, और पुण्य पाप हमारा स्वतंत्र है। और यहाँ तक कि हम पुण्य पाप में लिप्त होने के लिए जैन नहीं बने हैं, पुण्य पाप में लिप्त होने के मनुष्य नहीं बने, पुण्य पाप से शून्य होकर के परमात्मा बनने के लिए जैन बने हैं। पुण्य पाप में कब तक लिप्त रहोगे, रहस्य में आइए। नेता जी, वो नेता मिट्टी में दब जाए चींटी तो मृत्यु होगी कि नहीं। नेताजी संभल के बोलना, पहले समझ, मिट्टी में दब जाए चींटी, ऊपर से मिट्टी गिरी और चींटी दब गई, मृत्यु होगी कि नहीं, होगी। मित्र गुड़ में दब जाए चींटी तो मित्र नहीं होगी ना, वो तो गुड़ है ना, भैया आप इतने ज्ञानी हो, मिट्टी में दबेगी तब भी मृत्यु हो जाएगी और गुड़ में दबेगी तभी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही भाई समझ, पुण्य के राग में दबेगा तब भी कुमण हो जाएगा और पाप में डूबेगा तब भी कुमण हो जाएगा, पुण्य पाप से जब छूटेगा तभी भगवान बन पाएगा। समझ में आना चाहिए आपको, मक्खी के पंख मिट्टी में नहीं चिपके, गुड़ में ही चिपके मर गए। मक्खी के पंख कहाँ चिपके, गीले गुड़ में। ऐसे विश्वास मानिए, शत्रु के घर में तुम्हारी मृत्यु होने नहीं जाएगी, तुम्हारे घर में तुम्हारे रागियों के बीच में मृत्यु हो जाएगी। इसलिए राग से बचो।
लब्धा च भयो, आपने आयु को प्राप्त किया, रूपम, ये सुंदर रूप मिला है श्रेयांश, ये रूप मिला है आपको, रूप, ये सुंदर रूप को देख करके अहंकार मत करना, अपने रूप को देख करके अहंकार नहीं करना और दूसरे के रूप को देख करके राग मत करना। अपने रूप को देख करके अहंकार करोगे तो लक्ष्मीमती जैसे कुष्ठी बन जाओगे, और पर के रूप को देख करके राग करोगे तो रावण जैसे प्राण चले जाएंगे। रावण ने सीता के रूप को देख करके अपना सर्वस्व नाश कर लिया, और कितने लोग अपना ही रूप देख देख करके अहंकार में डूब करके कुरूप हो गए। इसलिए रूप को देख करके विद्या दीना तुक्ता प्राण, रूप वह विद्या, व्यवहार से देखो तो अपनी वस्तु दिखती है, अपनी वस्तु दिखती है, लेकिन विद्या भी तुम्हारी वस्तु नहीं है, विद्या भी अच्छे तुम्हारी वस्तु नहीं है। आप बहुत कोई अच्छा चित्रकार हो, कलाकार हो, कोई बहुत बड़ी विद्या विद्या को जानने वाले हो, वो सारी विद्या आपने जो सीखी है ये किसके बल पर सीखी है? बुद्धि से, छेवसम से, छेवसम तो कर्म का है, कर्म सापेक्ष है, और उस विद्या का आपने अहंकार कर लिया। अहंकार करके संपेत पाटने जी इतना जीव मद में डूब गया, इतना अहंकार कर लिया, इतना अहंकार कर लिया कि अगली गति बिगड़ गई, वो तुम्हारी विद्या तुम्हारे दुख का कारण बन गई, दुख का कारण बन गई। कभी कभी विद्याएं सुपर के दुख का कारण बन जाती हैं, बाहर की विद्याएं। एक व्यक्ति बीन बजाना सीख गया, एक व्यक्ति बीन बजाना सीख गया, उसने बीन बजाने सीख कर सांपों को पकड़ लिया, सांप नाचने लगे बीन की आवाज सुन करके, उसने सांप को पकड़ लिया और धोखे से सांप ने उसको डस लिया। तुमने सांप को सता करके टोकने बंद किया, सांप ने डस लिया, वो विद्या तुम्हारी दोनों का घात कर गई। ऊपर ऊपर का सोचने वाला भीतर नहीं जा सकता, कुछ भीतर भी सोचना चाहिए, और व्यक्ति को मस्तिष्क से सोचने के साथ साथ थोड़ा भीतर भी सोचना चाहिए। वह विद्या दुख परता कुमति पते हो, हे जीव बड़े दुख से उत्तम अवस्था, विद्या रूप पर पदार्थों प्राप्त भी करता भी है तो भी कुमति कुबुद्धि के प्रमाण से कुमति पातित मातव होती बार्धव, भव बार्धव, भव समुद्र में गिराने वाली है। इसलिए सबको स्वच्छ रखो, लेकिन सबसे पहले बुद्धि को स्वच्छ रखो। यदि बुद्धि स्वच्छ नहीं है तो ज्ञानी तीर्थ भूमि तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, भगवान कुछ भी नहीं कर सकते, गुरु कुछ भी नहीं कर सकते हैं, प्रभु कुछ नहीं कर सकते, जिनवाणी कुछ नहीं सकती कर सकती, यदि कुमति तुम्हारे पास है। नेताजी माँ ने बढ़िया स्वच्छ दूध दिया तुझे, परंतु तुम्हारे पात्र जो था ना उसमें मिट्टी भरी हुई थी, क्या होगा? माँ ने दूध दिया आपको, परंतु जिस पात्र में तुमने दूध लिया तो उसमें मिट्टी घुली पड़ी हुई थी पहले से ही, उस दूध का क्या होगा? दूध खराब हो जाएगा ना। ऐसे भाई समझ, आज हमारे पास आप बैठे हो ना, ऐसे हम तीर्थंकर के पास भी बैठ चुके हैं, केवलियों के पास बैठ चुके हैं पूर्व में, और कितनी जगह हम धर्मात्मा के पास रह चुके हैं, स्वर्ग जा चुके हो आप, तीर्थंकर के समोषण के चक्कर काट चुके हैं आप अक्षय, लेकिन क्या करूं, दुग्ध तो सुंदर था पर हमारे पात में मिट्टी भरी हुई थी, वो मिट्टी भरी होगी तो दूध का क्या होगा, विकृत हो जाएगा। ऐसे भगवान के समूषण में पहुंच करके भी हमारी कुमति समाप्त नहीं हुई, हम समूषण के बाहर से ही बाहर निकल आए। सबसे पहले जैसे दूध भरने के पहले पात्र को स्वच्छ करना चाहिए, दूध भरने के पूर्व पात्र को स्वच्छ करना चाहिए, ज्ञानी बनने के पहले मति को स्वच्छ करना चाहिए, मति को स्वच्छ कीजिए,
मति सुमति है तो सर्वत्र आनंद है, और मति में कुमति है तो आनंद में भी भंग है। मति शायद समझ नहीं रहा मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे भैया, समझ रहे ना? मति बुद्धि, मति बुद्धि, आप तो अच्छे से बोलो गुरुजी, अब बात समझ में आ गई। सारी अच्छी बातें तभी समझ में आती हैं जब मति सुमति हो। और कितनी अच्छी बातें समझाने आप बैठ जाओ, मति यदि भ्रष्ट हो चुकी है तो बृहस्पति भी समझाए, तीर्थंकर सर्वज्ञ भी समझाए, तब भी समझ में आता नहीं। कभी कभी आप अपने मित्रों को समझाते हो, वो अंतिम मालूम आप क्या करते हो, छोड़ो यार आपकी भाषा बोलूं, अच्छे भाई क्या बोलता है, छोड़ो इसकी बुद्धि में गोबर भरा हुआ है। क्या बोलते हो? इसकी बुद्धि में गोबर भरा हुआ है, मतलब कुमति है, समझ में नहीं आता। जिनका दिमाग अच्छा चल रहा हो, स्वस्थ चित्त हो, उनको प्रतिदिन यदि भगवान के नाम की एक माला फेरते हो ना, तो तुमको चार माला फेर लेना चाहिए। बोले क्यों? हे प्रभु, मैं आपके नाम के नहीं फेर रहा हूँ, मैं इसलिए फेर रहा हूँ, मैं अपने आप में प्रसन्न हूँ कि इस कलयुग में पंचम काल में मेरी इतनी सुंदर बुद्धि है, इसलिए मैं आपके नाम की माला फेर रहा हूँ। केतन, तुमको झांसी की याद है बेटा? एक नांग आया था, इसके झांसी का रघुवंश जी में मैंने चातुर्मास किया 1999 में। जिस दिन प्रवेश किया ना, उसी दिन सुब्रसार गेट पर एक सांप आ गया। अब शाम को गेट पर सांप था, सब लोगों ने देखा, ये बहुत छोटा था। बोले सांप है, सांप है, लोगों ने कहा भगा दूं। मैंने कहा रहने दो यार, चला जाएगा। शाम को तो चला गया, वो पता नहीं चला। वो रात्रि में फिर आ गया, जब सब चला गया तब तो बहुत सारे लोग थे। अब रात्रि वो आ गया, वो आकर के पाटी पे चढ़ गया जहां मैं विश्राम में था। उसने आकर के, वही सांप था बेटा जो शाम को था, वही उसने मेरी उंगली दबा ली। लेकिन दवाई तो उसने थोड़ा विचार किया, काटूं क्या, उसने सोचा काटूं क्या, तो मुझे लगता है वो भी बेचारे लग गया, इनका काट के मिलेगा भी क्या। जैसे हल्का सा ये होल्डर है ना, उसमें धोखे से उंगली चली जाए तो करंट लगता है हल्का सा, ऐसा मुझे थोड़ा लगा कि किसी ने उंगली पकड़ ली, तो शरीर हिल गया, वो छोड़ के निकल गया, पर कहीं बाहर नहीं गया, वहीं एक चटाई में छुप गया। सुबह एक भाई ने एक चटाई उठाई, उसके अंदर ऐसे निकल पड़ा। हम के अच्छा, रात्रि में ये सज्जन थे। मित्र, तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम्हारे भीतर भगवान की भक्ति है, तो सांप का जहर भी अमृत हो जाता है, और तुम्हारा पाप कर्म का उदय है तो अमृत भी पिलाया जाए वो जहर बन जाता है। अपने जीवन में किसी का बुरा मत सोचना। यदि शाम को मैं भगवा देता, उसका बुरा सोचता, तो वो मुझे डस लेता, पर मैंने उसको भगवाया ही नहीं, तो वो भी आया, बता गया मैं आया हूँ, पर आपने शाम को मुझे भगाया नहीं ना, इसलिए मैं आपको बताने आया हूँ, मैं आपको काटूंगा नहीं। अब सोचें आप, सबसे कोई अच्छी वस्तु है नेताजी। अब मत कहना गुरुजी पेड़ा, मत कहना पैसा, मत कहना स्त्री, मत कहना कुछ भी नहीं कहना। कल अपने कौन से गांव में थे सुब्रत सागर जी, जहां पर आहार हुआ था, सोमदत्ती। सोमदत्ती में जिस कमरे में मैं था, उस कमरे के बाहर एक भाई खड़ा था, और जब तक मैं सामाय करता रहा, स्वाध्याय करता रहा, वो भाई बेचारा वहीं पानी भी गिरा वहीं खड़ा रहा,
और क्या कर रहा था, कभी नाचता था, कभी गाता था, कभी चिल्लाता था, कभी ताली बजाता था, वो थोड़ा बुद्धि से विकल था। मैं खड़ा होकर देखा उसको, कौन है यहाँ पर, इतनी दया आई उसके ऊपर। देखो बेचारा जैन था बच्चा, वहाँ खड़ा हुआ था, एक पर्याय बेचारे की गई। मनुष्य कुल मिला, जैन कुल मिला, पर खड़ा हुआ है उस बेचारे को देख करके, नेताजी ऐसे लोगों को भी देखो, फिर अपनी पीठ ठोकना, हे प्रभु हे प्रभु, मुझे पागलपन तो नहीं मिला, मैं आकर के फिर से पढ़ाई करने लग गया। और अपने मन में सोच रहा था, हे जिनवाणी, हे जिनदेव, हे निर्गंत गुरु, पूर्व में हमने पुण्य किया था, सो आज तो मुझे मिल गए, ऐसी बुद्धि ना हो कि आपसे मैं दूर हो जाऊं। इस बच्चे को मैं देख रहा हूँ जिसने गुरुओं की निंदा की होगी, जिसने अरंत के भिलना की होगी, जिन वाणी के विपरीत कथन किया होगा, आज बेचारा पागल होकर घूम रहा है। सुमति सुमति बेटा, केतन सबसे कोई की कीमत है, उसका नाम सुमति। सुमति, तुम्हारा कोई बिगाड़ करने भी खड़ा होना, तब भी तुम्हारे मन में भाव आए, मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। ऐसा तुम्हारे मन में जिस दिन आए कि मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, बेटा उस दिन पुष्प अच्छे चंदनों से अपने द्वारा अपनी पूजा कर लेना कि अवभाग्य मेरा, मेरे ऐसे प्रणाम चल रहे हैं कि मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ू। भगवान पूजनी होता, मुनि पूजनी होते। पूरी बात सुना, आधी बात मत काट लेना, कोई एक कलयुग है आजकल ऐसी होने लगे। बोले मैंने बोला भगवान पूजनी होते, मुनि पूजनी होते, मालूम उतनी बात काट ली। बोले बुद्धे को विश्वसार क्या बोल रहे हैं, अरे पूरी बात सुनो, भगवान पूजनी होते, मुनि पूजनी होते, इनके पूज होने के पहले इनकी मति सुमति होती है, वो सुमति इनको पूज बनवा देती है। आनंद देख बेटा, देख बेटा, इस उम्र में लोग क्या सोचते हैं, कोई शादी करा दे मेरी, कोई शादी करा दे मेरी। और बेटा तुम क्या सोच रहे हैं, महाराज जी हमें ब्रह्मचारी बना दो। ओ हो, दिल्ली से भग के आया यहाँ पर बड़ोस से, सोचो वो क्या सोच रहा है कि भगवान, मैं भगवान कैसे बनूं, यही सोचो। निर्विकल्प सागर जी, बेटा अब सब तो छिन ही गया तुम्हारा, कपड़े भी तुम्हारे शरीर पे बचे नहीं है, बस जैसे कि नेताजी वो टंकी रखी थी ना ऊपर पानी की छत पर, उसको साफ करते कि नहीं, क्यों, शुद्ध जल रहा है, मतलब वो टंकी को भी साफ करते रहते हो, पानी शुद्ध रहे, वो टंकी खराब होगी तो पानी गंदा हो जाएगा। ऐसे महात्मा जी निर्विकल्प सागर जी, हम भी तुम्हारी सबकी सफाई करते रहते हैं कि इसमें हम इतने बढ़िया पानी जिनवाणी भर रहे हैं, ये टंकी स्वच्छ रहेगी ना, तो मालूम जिनवाणी स्वच्छ रहेगी। जब टंकी के लिए स्वच्छ करके रखना पड़ता है तो जिनवाणी से भरी जाती है, इसलिए मुर्दा प्रतिकरण करते हैं, साम्य सागर प्रतिख्यान करते हैं, आलोचना करते हैं, निंदा करते, ग्रह करते, बोले क्यों हमारी टंकी स्वच्छ रहे। ओहो, जिसमें जिनवाणी रखी गई हो वो कितना महत्वपूर्ण है। ओहो, बस अंतिम सब सुनना, नेताजी मित्र देख, मंदिर गए कभी जीवन में, गए हो ना, रोज जाते ना, तो जहाँ पर जिनवाणी विराजमान होती है वहाँ भी कभी सिर टेका अपने अलमारी में, टेका ना, जब जिस पर जिनवाणी विराजमान है उस अलमारी को हम नमस्कार कर लेते हैं। इन मुनियों के अंदर ज्ञान श्रुत ज्ञान विराजमान है, इसलिए हम इन सबको नमस्कार करते हैं। इसलिए अपने जीवन में आपका समय हो गया, पुनः चर्चा करेंगे, परंतु आज एक मन बना के जाना यहाँ से कि जगत में सब कुछ लुट जाए। सुब्रत सागर जी, एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी
आपके हाथ में लिखा है कि आपको मंत्र सिद्धि हो जाएगी। मैंने कहा भाई मैं मंत्र सिद्धि करके पागल होने का विचार नहीं कर रहा हूँ, मैं जिनेवाणी की सिद्धि करके भगवान बनना चाहता हूँ। इसलिए जिन जिन को ए अक्षय भाई, जिन जीवों के लिए बुद्धि बढ़िया है, दिमाग चल रहा है, उन सबको चाहिए बिना गुरु के कोई मंत्र पढ़ने ना बैठ जाए। वो मंत्र की सिद्धि की अपेक्षा से आप निज आत्मा की सिद्धि करो तो मोक्ष मिल जाएगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव परभाव सत्यन ब्रह्मवीर स्वामी की। बढ़िया है।